प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जहां पे आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर बेटियों को। जहां एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, इनके स्पेशल गेस्ट होंगे हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया राय खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। बहाना था बोगस वोट करवाना था, तो ये बहुत लेकिन बात ये है कि इस ये जो पूरा मसला उठा, इसमें कई सारे डिबेट्स हुए और उसमें भी शामिल भी रही जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके बयान सुने दर्जनों मुस्लिम महिलाओं, किसी ने भी एतराज नहीं जताया। कि नहीं कि हमें कोई एतराज नहीं है, वोट कर रहे हैं, आपको चेक करना, आप चेक कर लीजिए क्योंकि हम फेक वोट नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को एतराज नहीं है, ये लोग एतराज जताने वाले कौन होते हैं, इनको इतना क्यों पेट में दर्द होता है? अमर देखिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और हम दोनों लाखों लोगों से मिलते हैं, करोड़ों, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो हमने केसेस देख लिए हैं हम दोनों ने, और उससे ज्यादा हम अपने कल्पना से बाहर हमने लोगों से मुलाकात कर ली है। ये जो जितने भी धर्म मुस्लिम मजहब के ठेकेदार जो झूठ मूठ का दाढ़ी टोपी लगा करके बैठे रहते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि मुसलमान मुस्लिम खवातीन जो है, मुस्लिम औरतें जो है, वो अब इनके हाथ से रेत की तरह मुठ्ठियों से फिसल चुकी है, और इनकी अश्लीलता को और बेहूदगी को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अवेसी को यह बात पता थी कि वो 8 लाख बोगस वोटर्स हैदराबाद में रखा था। अवेसी को यह बात पता थी कि 1,25,728 हिंदू वोटर्स को, जो जीवित थे, उसको उसने वोटिंग डेटा में और वोटिंग लिस्ट में हैदराबाद से उसने मृत्यु घोषित किया हुआ था। जब इसका चिट्ठा खुला तो अवेसी डगमगा गया। इस बार आपने पहली बार 40 साल में देखा होगा, और 20 साल जो अवेसी बैठा हुआ है हैदराबाद के चेयर पर, आपने देखा होगा कि अवेसी कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गया। हालांकि आसाम में जो एक और मुल्ला टाइप का है वो उसको बहुत बुलाता रहा, प्राइवेट जेट से बुलाता रहा, पर एक वीडियो बना दिया अवेसी कि आपके साथ है, आपके समर्थन में है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आ नहीं पाया आपके प्रचार में, लेकिन हर बार जाया करता था, हर 5 साल में जाया करता था। इस बार वो हैदराबाद छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि उसकी चिटिंगबाजी और उसकी उसका जो एक झुट्टा लुच्चा जो एक सीन क्रिएट किया, सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, MIM मुस्लिम इत्तेहादुल क्या मुसलमानों की पार्टी उसने इंडिया लगाया है। पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही था, exactly. तो उसने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया और जल्दी से इंडिया लगाया। अच्छा, originally MIM. हाँ, उसके MIM के 7 MLA हैं, और पिछले 40 साल से बाप दादा के जमाने से वो हैदराबाद के चेयर पर बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहा है, जो शॉपिंग मॉल बन रहा है, जो दुकानें बन रही हैं, वो कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जाकर के करवा रहा है क्या? 7 MLA MIM के, अवेसी खुद नाग बाबा की तरह बैठा हुआ है, अवेसी खुद मुनकिन नकीर की तरह बैठा हुआ है चेयर पर। तो जब तुम्हारा ही दार दौरा चल रहा है 40 साल से, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प कौन रहा है, कौन रहा है? मैंने हैदराबाद के मंच से, हैदराबाद के स्टेट के न्यूज चैनल से, मैंने उनसे साफ लफ्जों में पूछा है कि जाकर के अवेसी से पूछिए कि नाजिया इलाही खान ने हैदराबाद ओल्ड सिटी के सरजमीन से खड़े होकर के आपसे डेटा मांगा है, आपसे डेटा असदुद्दीन अवेसी से सिर्फ इतना मांगा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसने लूटी हैदराबाद से। दूसरा मैंने डेटा मांगा है कि डेटा देना पड़ेगा कि हैदराबाद में 40 साल में कितनी मुसलमान बेटियां जज, बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मैजिस्ट्रेट और टीचर बनी है, ये डेटा दे दो मुझे। कितने मुसलमान लड़के बैरिस्टर बने? चलो अवेसी तो बाहर से पढ़कर आया, एक बीवी फिरंगी है, अंग्रेजन है, एक बीवी भारत की है और एक बीवी पता नहीं कहाँ की है, वो भेद खुल नहीं पाया है अभी तक। तो आप तो पढ़ करके बाहर से बैरिस्टर का डिग्री लेकर के आए हैं,
आपने अपने स्पीच के माध्यम से हैदराबाद के कितने मुसलमान लड़कों को बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनाया, उसका डेटा दे दो मुझे। अरे अवेसी वही है ना जिसके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। असदुद्दीन अवेसी रजाकार फौज का आखिरी चश्मो चिराग तो वही है ना जिसके जिसकी भीड़ से औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तुम संविधान मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हारा छोटा भाई जो है वो बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो गला काटेंगे। तो ये सारे जो तो इनफैक्ट औरंगजेब के मजार पे भी गए थे वो छोटे वाले। छोटा वाला तो औरंगजेब का ही पुजारी है, वो तो औरंगजेब का ही पुजारी है। अरे औरंगजेब का वो सबसे बड़ा मुरीद है। और ये कांग्रेस में जितने भी परिवार वाले हैं, देखिए राहुल बाबा 2005 में गया था अपने बाबर के कब्रिस्तान में, नेहरू गया था बाबर के कब्रिस्तान में, इंदिरा गांधी गई थी बाबर के कब्रिस्तान में। अभी 2 दिन पहले की बात है, दोनों माँ बेटा ने वोट किया है, राहुल बाबा और सोनिया एंटोनियो दोनों वोट की है और फोटो दिखा रही है खींच करके कि भाई वोट किया और पीछे जीसस क्राइस्ट का फोटो था। तो भाई आपके दिल में जो है आप खुल के बोलो ना। देखिए अंबर आप भी फक्र से कहती हैं कि आप मुसलमान हैं, मैं भी फक्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान इस्लाम में इस्लाम को बदनुमा शक्ल देने का जो कार्य कर रहे हैं मौलवी मुल्ला, हम उसको नहीं मानते, हम उसको बिल्कुल मुंह पर जवाब देते हैं। तो उसी तरीके से जो जिस धर्म का पालन करता है उसको वो बोलना चाहिए। अब अवेसी क्या है, वो रजाकार फौज का आखिरी चश्म चिराग है और अपने परदादा और दादा अब्बू के अधूरे काम को पूरा करने के लिए हैदराबाद में बैठा हुआ है, एकदम बैठा हुआ है। और देखिए अमर मुझे ऐसा लगता है ना कि पाप जो है ना वो बाप को नहीं छोड़ता है, हम जैसा बोते हैं हम वैसा पाते हैं। मैं बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ और मैं एकदम मतलब खुले मुंह से कहना चाहती हूँ कि कर्मा इज बिच। हाँ आप जैसा बोलिएगा आप वैसा पाइएगा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। जो प्रियंका वाड्रा कितना बड़ा स्लोगन लगाई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, जब कांग्रेस की प्रवक्ता, कई बार हम दोनों का सामना हुआ है, जो एक थोड़ी बल्की सी है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, राधिका खेड़ा, जब उसके साथ इतनी बुरी घटना हुई, उसको इतने बुरे तरीके से बेइज्जत मलाई किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो प्रियंका वाड्रा का कहां गया स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसके बाद जो कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बोलता था और भगवान राम के अस्तित्व पर उंगली उठाता था, आज अपने अस्तित्व को बचा नहीं पा रहा है। जो केजरीवाल शीला दीक्षित को रोज जेल भेजने का स्लोगन लगाता था, आज खुद जेलबंदी हो चुका है। स्वाति मालीवाल जिसने मणिपुर के दुर्घटना पर राजनीति खेली थी, आज उसी राजनीति का शिकार बनी है और हर जगह रो रो करके सिंपैथी क्रिएट कर रही है, सिंपैथी ग्रैब कर रही है, आज अपनी इज्जत को नहीं बचा पा रही है स्वाति मालीवाल, जो कभी ये कहा करती थी कि वो भारत देश की महिलाओं की इज्जत को जस्टिस दिला रही है। उद्धव ठाकरे कुर्सी के लालच में उसने बीजेपी को धोखा दिया था, आज सबने उसको धोखा दे दिया इंडिया अलायंस वाले ने और वो विधवा की तरह उद्धव ठाकरे रो रहा है। पाकिस्तान जिसने भारत से पीओके हड़प कर लिया, आज पीओके हमारे में जोड़ना चाहता है, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। लालू का बेटा तेजस्वी यादव जिसने भरे मन से इलेक्शन कंपेनिंग में मोदी जी को बूढ़ा कहा, देखिए 2 दिन के बाद व्हील चेयर पे बैठ गया और कुर्ता उठा करके दिखा रहा है कि उसको 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 बैंडेज ना क्या पेट में लग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी के लिए भी बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे या गड्ढा खोदेंगे, आपको जाना है उसमें। एब्सोल्युटली, और मैं इसके साथ पूरी तरह 1000% एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, कोई पंगा नहीं करती, आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, बट आई लीव इट ऑन गॉड। और जो ऊपर वाला है ना खुदा, वो ऐसा जवाब देता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो कर्मा इज डेफिनेटली, अभी हालिया में आपको भी बहुत ट्रोल करने की कोशिश की गई, मुझे भी बहुत ट्रोल करने की कोशिश की गई, मेरे लिए यहाँ तक बोल दिया गया अरे नाजिया तो जेल गई थी। अरे बंगाल में आकर के राजनीति करो ना, बंगाल पश्चिम बंगाल तो एक ऐसी जगह है जहाँ सीबीआई ऑफिसर भी जेल चले जाते हैं, एनआईए ऑफिसर ऊपर भी तैयार हो जाता है। आपका तो एक केस है, मेरी तो लोगों को दीवारों से दिक्कत है कि नीले तोते जैसे दीवारें। भाई मैं कहती हूँ जिनको नीले तोते सी दीवारों से दिक्कत है, नीलो तोता चाटो और मर जाओ,
बहुत आसान ये रास्ता है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं दिक्कत है, अकल से दिक्कत है, मेकअप से दिक्कत है, कपड़ों से दिक्कत है, दीवार से दिक्कत है, चाट लो लीला थोता सबके सब और मर जाओ, सीधी सी बात है। नहीं अमर, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, वी आर वेरी, यहाँ पर बंगाल में कोई भी राजनीति करके दिखा दो, मेरे ऊपर तो एक ही एफआईआर हुआ है। बंगाल में राजनीति करना, वहां पे रहना बोलना कितना मुश्किल है, और आप खुलकर बोलती हैं तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, तो मेरे ऊपर तो एक ही एफआईआर हुआ है। मैं दावे से कह रही हूँ कि जो भी आकर के करेगी उसके ऊपर 50 एफआईआर होगा, मेरे ऊपर तो फिर भी एक एफआईआर हुआ, क्योंकि ममता दीदी को भी लगा कि भाई काला कोट पहन करके जाती है कोर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही बहुत लंबा लपेट ले। भाई मेरी ताकत तो इतनी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने डायरेक्ट ममता बनर्जी के ऊपर केस किया, डायरेक्ट, कि तुम ईद की नमाज में क्यों जाती हो भाई, हमको तो आवश्यकता नहीं है, दीदी चाहे केस सुनवा लो, मेरा तो खर्च भी नहीं होगा। तो भाई ये सारी चीजें, अब देखो आज देखो जो भी मुसलमान यहाँ के उनको, मुझे ऐसा लगता है ना अंबर कि अवेसी से लेकर के मुसलमान तक को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं, शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। आज देखो सोच समझ करके अवेसी, मदनी, बुखारी, रशीदी सब जवाब देने की कोशिश करे कि हमारे भारत में जितने मुसलमान रहते हैं उतने मुसलमान पाकिस्तान में भी रहते हैं या कम ही रहते होंगे, 20 करोड़ मुसलमान तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी नहीं है, और वहां पर हिंदू 1% है, फिर भी आपस में मुसलमान फिरके के नाम पर मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को मार मार के उनको जला के उनके घरों में आग लगा दी। अच्छा मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि दिनेश कुमार नाम का एक एमएलए पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के मुसलमानों को आयतें बता रहा है कि तुम्हारा आयत कुरान का खुद कह रहा है कि तुम फोर्सिबली कन्वर्शन नहीं करवा सकते। अब आप बताइए मुझे क्या कह रहा है ये दिनेश कुमार पालियानी, ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कह रहा है सूरे अल काफिरून के बारे में आयत बता रहा है मुसलमानों को कि भाई आपके आपका सूरे अल काफिरून बताता है, आयत बताती है कि आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन नहीं करा सकते। ये दिनेश बता रहा है, दिनेश कुमार बता रहा है पाकिस्तान का एमएलए के लकुम दीन अकुम वलेगा दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। अब देखिए भारत में हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि कुरान में 306 बार जो है वो शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है, 800 बार जो है वो इंसानियत के बारे में लिखा हुआ है, एक हाथ में कुरान ले लो दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, ये हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और वो भी जिसको कट्टर हिंदू कहा जाता है। तो ये तो भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए डूब करके मर जाने की बात है भाई। आज मुसलमानों की औकात क्या हो गई और मुसलमानों को किस नजरों से देखा जा रहा है भाई, 3 औजार लेकर के मुसलमान घूम रहा है, एक जुबान में गाली गलौज, एक पैंट के जिप में अपना औजार बलात्कार करने के लिए, और तीसरा जो है वो क्रिटिसाइज करने का औजार, बस दैट्स इट, यही 3 औजार तो है मुसलमानों के पास। आज अंबर आपसे डिबेट में नहीं जीत पाएगा, सीधा बोलेगा अरे ये बहुत खराब औरत है, मुझसे अगर शिक्षा में मेरे बारे में नहीं, अपा मौलाना उन्हें उड़ाई है कि आरएसएस ने मुझे नोएडा में एक बहुत बड़ी कोठी दी हुई है, मैं तो कहती हूँ भाई पेपर दिलवा दो मुझे कोठी के आरएसएस से, तुम्हारे लिए फिर भी बहुत इज्जत वाला अफवाह उड़ाया गया है, मेरे लिए तो सीधा बोला जाता है कि मैं आरएसएस के लोगों का मुंह में लेकर बैठी रहती हूँ। अल्लाह तौबा है, छी छी जी, अरे मेरे ट्विटर एक्स पे पढ़ो ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों खासकर ओवैसी को, नाज़िया अली खान जी हमेशा बड़े ओवैसी की क्लास तो लगाती है पर आज उन्होंने छोटे ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया और बात की कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों या बाकी हिंदू हों, आज ये वक्त आ गया है, ये समय आ गया है कि उनको मुसलमानों को कुरान का असली मतलब समझाने की जरूरत पड़ रही है, खासकर अगर हम बात करें पाकिस्तानी हिंदुओं जहां पे उनके ऊपर जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जा रहा है, वो इतने परेशान है कि असेंबली में खड़े होकर उनको बोलना पड़ रहा है कि आपकी कुरान ये कहती है कि जबरदस्ती हमें कन्वर्ट ना करवाया जाए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।